आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? एक सेकंड ठहरिए, जी जरा सर, आवाज क्लियर है सर आपकी? जी मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा, सर, कल हम सूरह अल अनआम की आयत नंबर 8 तक पढ़े थे, आज हम आयत नंबर 9 से आगे चलेंगे। आयत नंबर 9 में लिखा है, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ। और अगर हम फरिश्ते को उतारते तब भी उसे इंसानी शक्ल ही में उतारते और इस तरह उन्हें उसी शुबह में मुब्तला कर देते जिसमें अब ये मुब्तला है। भाई, है शुबह में मुब्तला रखने की जरूरत क्या है? उनके सामने बात क्लियर क्यों नहीं की जा रही है? ये उनके एतराज का दूसरा जवाब है। फरिश्ते की आने की पहली सूरत यह हो सकती थी कि वह लोगों के सामने अपनी असली गैबी सूरत में जाहिर होता, लेकिन ऊपर बता दिया गया कि अभी उसका वक्त नहीं आया। अब दूसरी सूरत यह बाकी रह गई कि वो इंसानी सूरत में आए। उसके मुताल्लिक फरमाया जा रहा है कि अगर वो इंसानी सूरत में आए तो उसके मामूर मिनल्लाह होने में भी तुमको वही इश्तबाह यानी वही शक पेश आएगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूर मिन अल्लाह होने में पेश आ रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह मियां के पास ऐसी गोलमोल बातों जो गोलमोल काम के सिवा कोई माकूल, कोई जो है कोई अकली जो है दलील नहीं होती। अल्लाह मियां ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे रसूल को लोग सच्चा रसूल नहीं समझ रहे, सच्चा नबी नहीं समझ रहे, और वो कह रहे हैं कि जो है हमें फरिश्ते को दिखाओ, अगर हमने फरिश्ते को दिखा दिया तो रह बात है हम उसको फरिश्ते की असली हालत में नहीं दिखा सकते। भाई क्यों नहीं दिखा सकते? अगर हम दिखाना भी है तो उनको इंसान की शक्ल में दिखाएंगे। अरे भाई, इंसान की शक्ल में क्यों दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, फरिश्ते को? फरिश्ते की जी, लेकिन किसी फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भी दिखाई नहीं ना ये लोगों। कुछ भी नहीं दिखाए ना भाई, यानी सिर्फ खाली गोल गोल बातें हो रही है। यानी देखिए, इनका कुल मिलाकर कुरान या साहिब कुरान का दावा जरा गौर कीजिए, ये लोग जो है जो जो, जो मुखातबीन हैं जिनकी तरफ जो है ये बात की जा रही है, उनका मुतालिबा सिर्फ ये है कि आप रोज रोज कह रहे हैं कि आपके पास जो है फरिश्ता आता है, ठीक है, हमें एक बार कभी दिखा दो, सारे लोगों को ना सही जो है चंद लोगों को जमा करो और जो है फरिश्ते को उससे मिला दो। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम जो है फरिश्ते को दिखाते तो हम उसको इंसान की शक्ल में दिखाते। अरे भाई, इंसान की शक्ल में क्यों दिखाना चाहते हैं? जब जो है देखें तारीख में आता है कि जिब्रील को इन्होंने पहली बार यानी वो जो पहली वही आई थी उस वक्त देखा, पहली वही के वक्त जब जो है जिब्रील लेके आए, वो उठा के पोटली में डाल के वही जो इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक खलक अल इंसान मिन अलक जो है ना, 5 आयतें, तो उसके बारे में तारीख में यह आता है कि जिब्रील उस वक्त अपनी असली शक्ल सूरत में आए थे, जिनके जो है जिनका एक पर मशरिक से शुरू हो रहा है तो मगरिब पर जो है खत्म हो रहा है। मतलब यह है कि इतना बड़ा पर है और ऐसे उनको 600 पर है, उनके पास ऐसे 600 पर है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ऐसे 600 पर है, ये इनको 600 तक की गिनती किसको आती थी, किसने काउंट किया? अरे यहां तो हाल यह है कि नबी उनको देखते ही बेहोश हो गए है ना, और घर पे आके जो है वो कंबल ओढ़ के बैठ गए, वो जो है इनको बुखार चढ़ गया, ये खुद अपने आप से सहमे हुए। जी, कानों में घंटियां बज रही है उनके, हाँ, ऊंट के बच्चे की तरह मुंह से आवाजें आ रही है, हाँ, मुंह से झाग निकल रहा है। अब सवाल यह है कि यानी ये 600 पर थे, ये इसको देखा कौन, और अगर देखा भी है तो 600 पर थे, ये काउंट कौन, किसने किया? ये अजीब अजीब बातें हैं। अच्छा, वो तमाम बातों को अगर हम थोड़ी देर बाजू पर रखते हैं तो क्या अल्लाह मियां के लिए ये क्या पॉसिबल नहीं था कि जो है एक बार चंद लोगों को अपनी जो है होशो हवास में लोग अपनी आंखों से देख लेते कि हाँ भाई, एक फरिश्ता है जो वाकई आया है इनके पास और ये इसके जो है अल्लाह की तरफ से भेजे जाने की एक दलील है ना? क्योंकि देखिए, यानी मतलब जो अहले मक्का हैं, जो कुरैश वाले हैं, उनके सामने कुरान का जो है 2/3 हिस्सा 13 साल तक पढ़ा जाता रहा। कुरान में तो उनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई भी चीज उनको मुतासिर नहीं कर सकी। और तो और, पैगंबर इस्लाम
और पैगंबरे या फिर जो है कुरान के नबी की जिंदगी में भी उन्होंने कोई ऐसा खास कारनामा, कोई ऐसी खास बात नहीं देखी। एक आम सा आदमी है, बल्कि जो है वो कुछ जहन, जिसका जहन चल जाता ना थोड़ा सा, जो है दिमाग दिमाग से जो है जो शख्स माजूर हो जाता, इस शक्ल में इस अंदाज में वो लोग इस शख्स को देख रहे थे। आप समझिए, अच्छा ऐसी सूरत में जबकि सारे लोग यानी कुरान से मुतासर नहीं हो रहे हैं, पैगंबर कुरान की जिंदगी से मुतासर नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो पैगंबर कुरान के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। पैगंबर कुरान को क्या क्या कह रहे हैं? पैगंबर कुरान को अबतर कह रहे हैं, पैगंबर कुरान को मजनून कह रहे हैं, मशहूर कह रहे हैं, दीवाना पागल कह रहे हैं, काहिन कह रहे हैं, और फिर जो है उसकी पेश की गई बातों को पुराने वक्तों की कहानियां कह रहे हैं, एक इंसान का कलाम कह रहे हैं, ये सारी बातें कह रहे हैं और अल्लाह मियां ये सारी बातें सुन रहे हैं। यानी नबी के मुखातबीन अव्वल इस तरह के जो है की बातें कर रहे हैं, अल्लाह मियां सुन भी रहे हैं। तो ऐसे मौके पर अल्लाह मियां की यह जिम्मेदारी थी कि उनके सामने या उनका मुंह बंद करने के लिए अगर वाकई फरिश्ता इनके पास आता था तो एक बार फरिश्ते को उसकी अपनी असली हालत में दिखाते। अरे ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर सारे लोग अगर जो है फरिश्ते को अपनी असली हालत में देख लेते हैं तो क्या सारे बीमार पड़ जाते? पढ़ने दो। अरे भाई तुमको एक चीज दिखाने में मुश्किल क्यों आ रही? इतना जो है इतने आग बबूला क्यों हो रहे हैं? अब यहाँ जो है यानी मतलब कुरान का भी यही इस्तदलाल है, यही जो उसका दावा है, और फिर जो है हमारे उलमा भी ये कहते हैं हम फरिश्ते को उसी सूरत में दिखाएंगे कि जब तुम्हारा फैसला हो चुका हो। ये कैसी बात है भाई? यानी तुम जो है अभी हमसे हमारा तुम चाहते हो कि हम तुम पर ईमान लाएं तो हम कोई भी मुतालबा तुमसे नहीं कर सकते? अजीब यानी कैसी कैसी जो है कैसी दादागिरी है देखिए कि वो नबी हमसे सब कुछ चाह रहा है लेकिन हम उनसे कुछ कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। तो ये मामला है आयत नंबर 9 में। हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? जी सर जी, और 6-9 है, और यदि हम किसी फरिश्ते को नबी बनाते तो उसे किसी पुरुष ही के रूप में बनाते और उन्हें उसी संदेह में डाल देते जो संदेह वे अब कर रहे हैं। और इसकी फुट नोट में लिख रहे हैं क्योंकि फरिश्तों को आंखों से उनके स्वाभाविक रूप में देखना मानव के बस में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यदि नहीं, अजीब बात है। अरे भाई ठीक है, अल्लाह को देखना मानव के बस में नहीं है, ये बात समझ में आ सकती है। हालांकि ये बात भी एक गैर माकूल है कि भाई क्यों क्यों बस में नहीं है। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम जो है उसको यानी उन्हीं की बात को जो है एक्सेप्ट करते हुए, अब मैं कहना चाह रहा हूं कि फरिश्ता भी खुद एक 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 मखलूक है ना, मानव के बस में क्यों नहीं है? नहीं है तो बस में करो और जो है उनको उनको इत्मीनान दिलाओ ना, उनको कन्विंस करो, क्योंकि तुम जिस जिस तरीके से कि जो है अपने नबी को तुमने जो है एक रसूल बना, एक शख्स को रसूल बनाकर भेजा, तुम्हारा रसूल नाकाम हो गया, तुम्हारा रसूल अपने आप को रसूल साबित नहीं कर सका, तुम्हारी किताब अपने आप को सच्ची किताब या खालिक कायनात की तरफ से किताब साबित नहीं कर सकी। वो लोग साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि इसमें हमारे लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो अल्लाह मियां कह रहे हैं कि नहीं, वो जो है इस तरह से पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अजीब अजीब जो है मामला है ना, क्यों नहीं है? जी आयत नंबर 10 में कहा गया, थोड़ा सा अच्छा देखिए जी जी हाँ पढ़िए पढ़िए। स्वाभाविक रूप में देखना मानव के बस की बात नहीं है, और यदि फरिश्ते को रसूल बनाकर मनुष्य के रूप में भेजा जाता तब भी वो कहते कि ये तो मनुष्य है, ये रसूल कैसे हो सकता है? नहीं नहीं देखिए बात तो वही है ना, ठीक है नबी को, पहली बात तो नबी को सच्चा साबित करने के लिए कम से कम नबी को नबूवत वाले सिलसिले में जो है पैदा करता, सबसे पहली बात। नबी को तुमने जो है एक एक मतलब एक खुद साख्ता सिलसिले में पैदा किया। देखिए कितने कितने घपले किए अल्लाह मियां ने। पहली बात तो बनी इसराइल में इस शख्स को पैदा नहीं किया, इस शख्स को किसमें पैदा किया? बनी इस्माइल में। और बनी इस्माइल के बारे में कुरान कुछ जानता है ना पहचानता है? बनी इस्माइल सरासर खुद साख्ता सिलसिला है, खुद साख्ता मनगढ़ंत। बनी इस्माइल क्या है? खुद साख्ता मनगढ़ंत, डुप्लीकेट नकली जो है सिलसिला है, असली सिलसिला नहीं है। खुद कुरान के मुताबिक सिलसिला असल में जिसमें नबूवत का जो है नबूवत जारी रही वो है बनी इसराइल। पहले तो हफला अल्लाह मियां ने यहां कर दिया। दूसरी बात, अच्छा नबी को तुमने जब भेजा तो कम से कम कोई एक ऐसी बात माकूल नबी के साथ जुड़ी जाती कि जिससे कोई भी आदमी मुतासिर हो सके। नबी के पास कोई ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर जो है नबी की तारीख को जो है पर अगर हम जो है गौर करते हैं, उस पर नजर डालते हैं तो कितनी बातें ऐसी हैं जो नबी की नबूवत के खिलाफ जाती हैं, खिलाफ जाती हैं। यानी इस पर जो है मैं आने वाले वक्तों में एक स्ट्रीम करूंगा
कि नबी की क्या जो है हैसियत थी खुद मक्का में, वो लोग जो है नबी को क्या समझते थे, उनकी पैदाइश को लेकर कैसे कैसे मसाइल हुए, और फिर उनके पैदा होने के बाद जो है उनके साथ कैसे कैसे हालात हुए, और फिर उनके दादा उनके चचाओं ने इस नबी के साथ क्या रवैया अख्तियार किया। कोई भी इस शख्स को यानी जायज जो है लड़का नहीं कहता था, बल्कि ये उस इलाके की नाजायज औलाद समझा जाता था। देखिए ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो है ये उसी तारीख से जो है आपको ये सारी बातें आप तक पहुंचती हैं जिस तारीख की बुनियाद पर मुसलमान अपने नबी को साबित करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, हम कभी जो है उसको अपना एक टॉपिक बनाकर उस पर बात करेंगे। मैं सिर्फ यहां कहना चाह रहा हूं, आयत नंबर 10 में ये कहा गया, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ। अब यहां पर मौदूदी साहब ऐ मोहम्मद का इजाफा कर रहे हैं, हालांकि ऐ मोहम्मद तो इस आयत में है नहीं। अब सारी दुनिया के मुसलमान मौदूदी साहब का तर्जुमा पढ़ के से ये समझते हैं कि भाई मोहम्मद का जिक्र तो बार बार आ रहा है कुरान में, हालांकि एक्चुअल टेक्स्ट में मोहम्मद नहीं है यहां पर, मगर मौदूदी साहब डायरेक्टली बगैर किसी ब्रैकेट के, ब्रैकेट लगाए बगैर डायरेक्ट जो है उसमें ये दो वर्ड ऐड कर रहे हैं, ऐ मोहम्मद, हालांकि टेक्स्ट में नहीं है, एक्चुअल कुरान में नहीं है। जी जी, अगर मौदूदी साहब को ये तफसीर में लिखना है कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद करता है, ऐसे ये पूरी लाइन भी तफसीर में लिखते हैं तो वो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये डायरेक्ट तर्जुमे में कितनी बड़ी जो है जुरत है, कितना बड़ा जो है, कितने ढीठ है ये लोग। अच्छा कम से कम ब्रैकेट में तो लगाना, ब्रैकेट तो लगाना, ब्रैकेट भी नहीं लगाई देखिए उन्होंने, ब्रैकेट के बगैर अपनी मर्जी की बात अपना अकीदा कुरान की आयतों में ऐड कर देते हैं, तो ये जो है तहरीफ नहीं तो और क्या है भाई, तहरीफ और होती क्या है, तहरीफ किसे कहते हैं, यही ना कि आप अल्लाह के कलाम में अपने कलाम को ऐड कर दो, उसको करप्ट कर दो, इसी को कहते हैं तहरीफ करना, इसी को करप्शन कहते हैं। ठीक है, जाहिर बात है कुरान भी करप्टेड है, क्योंकि देखिए दुनिया के 99% मुसलमान कुरान के टेक्स्ट को टेक्स्ट के बारे में नहीं जानते हैं, टेक्स्ट में क्या लिखा है उनको पता ही नहीं है। दुनिया के सारे मुसलमान यानी मतलब जो तर्जुमे होते हैं उन्हीं पर यानी उनका इत्तेफाक होता है, उन्हीं को लेकर चलते हैं। और देखें तर्जुमों के अंदर बगैर ब्रैकेट के यानी इस तरह से डायरेक्टली अपनी बात अपनी अकीदे को शामिल करना, मैं समझता हूं कि जो है इससे बड़ी तहरीफ और कोई नहीं हो सकती। तो यहां ये कह रहे हैं कि ऐ मोहम्मद तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है। अच्छा अब सवाल यह है, गौर कीजिए ये अल्फाज क्या है, देखिए इस्तेहज़ा का लफ्ज आया है यहां पर, यानी एक्चुअल टेक्स्ट में इस्तेहज़ा, इस्तेहज़ा का मतलब यह है कि किसी को हकीर समझते हुए उसका मजाक उड़ाना, ठट्टा उड़ाना, आप समझ रहे हैं, इस्तेहज़ा का मतलब है किसी को नीचा दिखाते हुए, किसी को जो है बेमाना और फिर जो है बेकीमत बताते हुए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू लेस बताते हुए उसका मजाक उड़ाना, इसके लिए लफ्ज है अरबी में इस्तेहज़ा। तो यहां पर ये वही लफ्ज आया है एक्चुअल टेक्स्ट में, इसका क्या मतलब है कि यानी ऐ रसूल तुमसे पहले भी अल्लाह के रसूलों का इसी तरह से मजाक उड़ाया जा चुका है। अच्छा अब आप जरा देखिए, आप गौर कीजिए, यानी रसूल क्या होता है, रसूल असल में एम्बेसडर होता है, रसूल क्या होता है, एलची या उसका कासिद या उसकी तरफ से भेजा हुआ एम्बेसडर, ठीक है। अच्छा यानी हमारी दुनिया में हम देखते हैं कि कोई छोटे से छोटे मुल्क का कोई कासिद कोई एम्बेसडर है तो उसका मजाक कोई नहीं उड़ाता भाई, कोई नहीं उड़ाता मजाक, क्यों नहीं उड़ाता, इसलिए कि ठीक है वो जिस मुल्क से की जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जिस मुल्क का वो एम्बेसडर है, भले वो मुल्क छोटा जरूर है लेकिन उसके अपने कुछ आदाब होते हैं, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई छोटे मुल्क का जो है अगर कोई एम्बेसडर है तो वो उसकी शक्ल सूरत अजीब होती है या उसको बातचीत करने नहीं आता, उसको मैनर नहीं आते, उसको कपड़े पहनने नहीं आता, ऐसा नहीं है। जब आप देखें कि दुनिया के अमेरिका से लेकर कोई छोटे से छोटे मुल्क के अगर जो है एम्बेसडर्स को एक साथ बिठाया जाए तो आप पहचान नहीं सकते कि इसमें कौन सा एम्बेसडर किस देश से ताल्लुक रखता है, क्योंकि सारे एम्बेसडर उसके उनके अपने कुछ जो है कुछ मैनर्स होते हैं, उनकी शक्ल सूरत, उनके जो है तौर तरीके, उनके उठने बैठने के, उनके बातचीत करने के जो है वो आदाब को जानते हैं, है ना। मैं ये मेरा सवाल ये है कि ये कैसा अल्लाह है यार, अपने एम्बेसडर को भेज रहा और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, आप समझे बात को, आप असल पॉइंट समझिए, ये कैसा अल्लाह है यार। यानी बात ये नहीं कि जो है ये इस रसूल का मजाक उड़ा नहीं है, ये अल्लाह मियां ये कह रहे हैं कि तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाते हैं। अब आप मजे की बात देखिए कि अल्लाह मियां अपने जितने भी एम्बेसडर को भेज रहे हैं लोग उनका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं,
अल्लाह मियां के जी, अगर व्लादिमीर पुतिन का रशिया का कोई एम्बेसडर यहाँ पर जो सिफारत खाने में बैठा है, उसका कोई इंडिया के कोई शख्स अगर उसका मजाक उड़ाएंगे तो ये लोग बर्दाश्त करेंगे? जाहिर बात है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ये पहली बात तो ये कि अगर जो है मान लो कहीं कोई एम्बेसडर है, सबसे पहली बात तो ये कि उसका मजाक कोई नहीं उड़ाता, कोई भी नहीं उड़ाता। एक महजब दुनिया में कहीं भी इस तरह का ऐसा नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो वाकई ऐसा है, मिसाल के तौर पर दूसरे तमाम एम्बेसडर्स में ये एक ऐसा अजीब जो है उसकी, जिसको बातचीत करने नहीं आता, उन्हें बेढंगा है, जिसको बैठने उठने नहीं आता, उसके कपड़े पहनने की जो है आदत नहीं है, पता नहीं कोई से भी जो है फालतू ऐसे कपड़े पहन के आए कि जो है वो चड्डी जो है ऊपर पहन लिया और पैंट, चड्डी ऊपर पहन लिया और शर्ट नीचे पहन के आए, तो ऐसा कुछ ऐसी इस तरह की हरकत करेगा तो ही कोई किसी का मजाक उड़ाएगा, कहेगा यार ये क्या है, उसको कपड़े भी पहनने नहीं आता। अब सवाल यह है कि अल्लाह के रसूलों का, अल्लाह के एम्बेसडर का जो है मजाक लोग क्यों उड़ा रहे हैं? ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये उनका ठट्टा क्यों उड़ाया जा रहा है? हाँ, मैं खुद एतराफ करता हूँ कुरान के टेक्स्ट में। अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी एक रसूल का मजाक उड़ा, मतलब तुमसे पहले जो है रसूलों का, यानी उसका मतलब ये हर रसूल जो भी आता है लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसका मतलब यानी ये बात साबित होती है कि वो रसूल इतने बेढंगे, इतने बेटुके, इतने नामाकूल, इतने गैर मंतिकी होते थे कि कोई भी उनका आसानी से मजाक उड़ा सकता था। अच्छा, पहली बात तो बजात खुद ये एक एक बहुत बड़ा सवाल है, और जो है इस पर हमें जो है मुसलमानों को कम से कम जो ईमान वालों को गौर करना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के एम्बेसिडर का कोई शख्स मजाक उड़ा सके, कैसे पॉसिबल है? अच्छा, ये देखें वाला पदिस्तुदिया, यानी मतलब तहकीक के साथ बात की जा रही है, यानी अंदाजा नहीं है, ये कहा गया कि जो है तुमसे पहले भी जरूर तहकीक के, तहकीक की बात है, यानी ये बात बिल्कुल अटल है कि ऐसा हो चुका है, तुमसे पहले भी बहुत, मतलब बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर इन मजाक उड़ाने वालों पर आखिरकार वही हकीकत मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाते रहे। अच्छा, किसके ऊपर जो है कौन सी हकीकत मुसल्लत हुई भाई? देखें, अगर कोई एक अनजान आदमी भी रास्ता चलते हुए आपको अगर कोई माकूल, कोई मंतिकी बात कहेगा, तो मैं कहता हूं कि कोई भी समझदार आदमी उस माकूल आदमी की बात को सुनेगा, है ना। अब अगर कोई ऐसी बेतुकी बात करेगा, बेढंगी बात, तो जाहिर बात है कोई मजाक उड़ाएंगे ना। इसका मतलब अल्लाह के रसूल बेतुके होते थे, उनके नजदीक कोई माकूल, उनके यहां कोई माकूलियत, कोई मंतिकियत नहीं होती थी, इसी वजह से लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। जिस तरह से हम सूरह यासीन को पढ़ते हैं, सूरह यासीन भी मक्की जन्नत की सूरत है, जे हमारे बकौल हमारे असरार अहमद साहब, मक्की जन्नत, सूरह यासीन क्या है? मक्की जन्नत है। सूरह यासीन में जो है हमने जो कहा था कि एक रसूल को भेजा, क्या अल्लाह मियां ने एक रसूल को एक बस्ती में भेजा, एक बस्ती में एक रसूल आया, अच्छा ठीक है, क्या बाकी की बस्तियों में भेजा? नहीं नहीं, एक ही बस्ती में भेजा। अच्छा चलो ठीक है, एक बस्ती में भेजा तो जो है उस बस्ती के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी बात पर जो है उन पर ईमान नहीं लाया, तो फिर अल्लाह मियां ने क्या किया, एक और रसूल को उसी बस्ती में भेजा। अब कितने रसूल हो गए एक ही बस्ती में? एक बस्ती में दो दो रसूल हो गए। अच्छा, उस बस्ती वालों ने उस दूसरे रसूल का भी इंकार किया। अच्छा, क्यों इंकार किया? इसलिए कि उनके पास कोई ऐसी लॉजिकल बात नहीं है जिससे जो है वो लोगों को कन्विंस कर सकें, उनको अपनी तरफ रागिब कर सकें, ऐसा कोई उनके पास जो है मंतिकी जवाब नहीं है, सिर्फ उलटपटांग बातें कर रहे होंगे, तो जाहिर बात है लोगों ने जो है कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो दो रसूल भी एक बस्ती में आने के बावजूद जब दोनों को बस्ती वालों ने जो है इंकार किया, तो अल्लाह मियां ने उसी बस्ती में एक और तीसरे रसूल को भेज दिया। अब एक बस्ती में कितने रसूल हो गए? तीन रसूल। तीन रसूल होने के बाद अब वो तीनों रसूलों को भी जो है उस बस्ती वाले ने इंकार कर दिया। बस्ती वालों ने जब इंकार किया तो एक जो है एक और एक चौथा शख्स वो दूर से जो है दौड़ता हुआ आ रहा है और कह रहा है कि जो ए लोगो, ये इन रसूलों की बात को मान लो, ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये पक्के रसूल हैं। अब बताएं यार, ये अल्लाह मियां अपने, देखिए ये क्या बोल रहे थे कि लोग उनको मार डाल रहे थे? नहीं, मार डालने की बात नहीं हो रही वहां पर, जो है वहां मारने की बात नहीं हो रही, वहां पर सिर्फ जो है रसूल अपनी बात पेश कर रहे हैं लेकिन लोग जो है उनकी बात का इंकार कर रहे हैं। अच्छा भाई, अगर कोई माकूल बात कोई कहीं भी किसी जमाने में कोई पेश करे तो कोई भी आदमी क्यों इंकार करेगा, क्यों करेगा? और फिर देखें अल्लाह मियां के पास वही एक लगा बसा तरीका है, वही वही चल रहा है, यानी 1,24,000 नबियों को भेजे तो अल्लाह मियां के पास वही लगा बधा तरीका है, यानी वही एक जो है वो घिसी पिटी बात जो है लेके जो है नबी आता है, रसूल आता है। अरे यार, कम से कम वक्त और हालात के हिसाब से एक नए तौर तरीके तो जो है इख्तियार करने चाहिए। नहीं, जब अल्लाह मियां देख रहे हैं कि एक नबी को लोगों ने इंकार किया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, 1,24,000 नबी भेजे अल्लाह मियां ने,
वो सारों के एक ही, उनका तरीका एक ही है, लोगों को एक ही अंदाज से जो है कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर हर बार वो नाकाम हो रहे हैं। तो और जो जो गुजर गए से गुजर गए, अब ये इस कुरान के बारे में भी, जो कुरान के नबी के बारे में भी जो है, कुरान के जो है बोलने वाले का ये कहना है कि तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है। यानी अल्लाह मियां ये कह रहे हैं गोया कि ए नबी, मेरे रसूलों का तो, मेरे एम्बेसडर्स का तो जो पहले भी जो है मजाक उड़ाया जा चुका है। देखें ये बताते खुद जो है ये बात कितनी तौहीन आमेज है। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहे कि लोगों, मेरे जो है मेरे जितने एम्बेसडर्स हैं उनका लोग मजाक उड़ाते रहे हैं, तो ये कहना बताते खुद अमेरिका की जो है तजलील है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी जबान से यह कहता है कि मेरे एम्बेसिडर्स का जो है मजाक उड़ाया जाता रहा है, कोई ऐसा कहता है? और उसके बाद यह कहना कि जो है ठीक है, जिन जिन लोगों ने जो है मतलब मेरे एम्बेसिडर्स का मजाक उड़ाया है मैं उनको देख लूंगा, ये क्या बात है यार? ऐसा होता है तरीका बात करने का ही तरीका होता है? तो चलिए जनाब, आयत नंबर 10 हिंदी में क्या कह रहे हैं भाई? से पहले भी रसूलों के साथ उपहास किया गया, तो जिन्होंने उनसे उपहास किया उन्हें उनके उपहास के दुष्परिणाम ने घेर लिया। अच्छा, आयत नंबर फुटनोट भी है? अच्छा ठीक, नहीं है। अच्छा, आयत नंबर 11 में कहा गया, कुल सीरू फिल अर्दी सुम्मा नज़ुरू कैफ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, इनसे कह दो कि जमीन में चल फिर कर देखो झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ है। कौन सी नजमी जमीन में क्या देखेंगे भाई? अगर मान लो किसी जगह कोई खंडर पड़े हैं, तो हमारे उलमा कहते हैं कि देखें यहां पर एक बहुत बड़ी जो है कौम आबाद थी, वहां पर वो जो है वहां पर एक नबी को भेजा गया और जो है उस कौम ने उस नबी का इनकार किया या उस रसूल का इनकार किया, तो अल्लाह मियां ने जो है उस बस्ती को तहस नहस कर दिया। अच्छा, ये हर आलिम दीन और जो है हर मुसलमान का यही समझना है, यही कहना है। दुनिया के जिस कोने में जिस खंडर की तरफ जाएंगे वो यही कहते हैं कि यहां पर रसूल को भेजा गया था और फिर जो है इन लोगों ने रसूल का इनकार किया, इसलिए उनकी ये हालत। अरे भाई ठीक है, कितनी ऐसी कौमें हैं दुनिया में, यकीनन ठीक है एक वक्त जो है बड़े उरूज पर रही, बड़े कमाल पर रही, लेकिन ठीक है किसी ना किसी वजह से उनका खात्मा हो गया। मगर अब ये मुसलमानों का ये दावा है, कुरान का ये दावा है कि नहीं, उन पर वहां पर एक रसूल को भेजा गया। अच्छा भाई ठीक है भाई, वो जो है दुनिया में कितने जैसा वो क्या कहते हैं आपको, ये साउथ अमेरिका है या फिर जो है वेस्टर्न अमेरिका है या फिर आप जो है यूरोप का इलाका है या रशिया है या ऑस्ट्रेलिया है या फिर जो है जिसको हम अफ्रीका कहते हैं, दुनिया के जिस जिस कोने में, जाहिर बात है हजारों साल से कैसी कौमें आबाद थी, खुद और तो और हमारे देश भारत के, हमारे देश यह मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो जो जिनको हम हड़प्पा कहते हैं, मोहनजोदड़ो कहते हैं, वो उनकी अपनी एक शानदार तहजीब थी यार, क्या कुछ नहीं था उनके पास, कितने ठाट बाट थे, कैसे जो है मुनज्जम तरीके से वो रहते थे। अब यहाँ मुसलमान क्या कहते हैं, नहीं जो है उनके पास, हाँ उनका भी उनके बारे में यही दावा है, लेकिन जो है अगर उनसे पूछा जाए कि यहाँ पर कौन से रसूल को भेजा गया, कोई जवाब नहीं है, कोई भी उनके पास मतलब सिंगल पर्सन भी उनके पास जो है कोई सबूत नहीं होता, लेकिन दावे बड़े बड़े करेंगे। उनका दावा है कि वहां पर भी रसूल को भेजा गया लेकिन उन लोगों ने और फिर रसूलों का इनकार किया, तो फिर जो है उनके साथ ऐसा हो गया। कैसा हुआ भाई? तो अब अगर मान लो किसी जगह कोई जलजला आया है या कोई सुनामी आई है, तो क्या लाजिमन वहां ऐसा हुआ है भाई? अभी जो है एक हफ्ता पहले तुर्की में जो है इतना जबरदस्त जो है जलजला आया, कितने हजारों लोग जो है मेरे मतलब फौत हो गए इसकी वजह से, और हर चीज तहस नहस होकर रह गई। तो क्या वहां पर रसूल को भेजा गया था और वहां पर जो है उन लोगों ने रसूल का इनकार किया था इसलिए उन पर अजाब आया? 2011 में जापान में जो है जो सुनामी आई, वहां पर भी ऐसा हुआ था। और फिर दुनिया में देखें किस किस मौके पर कहां कहां क्या क्या होता है, किसी जगह जोरदार सैलाब आ जाता, किसी जगह और तूफान आ जाता, किसी जगह कोई जोरदार झक्कड़ आ जाता हवा का, कितने लोगों की जानें चली जाती। तो इसका मतलब ये कि वहां पर रसूल को भेजा गया और जो है उन लोगों ने इनकार किया इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। अरे यार ये कुरान और कुरान के मानने वालों का अजीब मामला है यार, अकल से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके दावे इतने फजूल, इतने वाहियात किस्म के होते हैं कि ये कोई अकल कोई मंतिक इनकी बात पर जो है गौर भी नहीं कर सकती, इतनी फजूल बातें हैं।
अच्छा तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि आयत नंबर 11 में कि तुम जमीन पर जो है जरा चल फिर कर तो देखो। अच्छा ठीक है, चल फिर कर देख लिए तो क्या। अच्छा जहां जहां भी कुछ इस तरह से खंडर है तो खंडर होने का मतलब यह है कि वहां पर अजाब आया, और अजाब क्यों आया, वहां रसूल आया था और लोगों ने जो है उनका इनकार किया। बस ये एक पक्की अटल बात है, हर जगह वो यही जो है इसी तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा इसकी फुटनोट में मौदूदी साहब ये कहते हैं कि यानी गुजरी हुई कौमों के आसार कदीमा और उनके तारीखी अफसाने शहादत देंगे कि सदाकत और हकीकत से मुंह मोड़ने और बातिल परस्ती पर इसरार करने की बदौलत किस तरह यह कौमें इबरतनाक अंजाम से दोचार हुई। अरे भाई ये क्या मामला है, इसमें हड़प्पा मोहनजोदारो में जो कुछ हुआ वहां पर कौन सी सदाकत और जो है कौन सी हकीकत की बात करें, आपके पास कोई सबूत है? अच्छा वो लोग यकीनी तौर पर बातिल परस्त थे, इसकी कोई आपके पास का कोई सबूत है? कोई सबूत है? अजीब अजीब मामला। अच्छा जो है वो खंडर हो गया तो इसका मतलब वो जो है निशाने इबरत बन गई। अब देखिए आप मान लो देखें कि हर कौम या फिर जो है हर बस्ती एक ना एक वक्त ऐसा आता है कि वो बस्ती वो सारा का सारा मामला खंडर बिल्कुल खंडर बन जाता। और तो और अगर आप जो है आगरा के किले में अगर जाएंगे आप पूरा खंडर बन गया। वहां अपने अपनी आंखों से देखेंगे क्या शान क्या दबदबा था उनका, क्या शानदार तरीके से उन्होंने पूरे किले को बनाया, लेकिन आज सारा खंडर है। अगर आप शाम के वक्त अगर जो है वो किले के अंदर जाएंगे तो आप डर जाएंगे, इतना जो है इतना हैबतनाक मंजर बन जाता है। तो क्या हुआ वहां कोई रसूल आया था, उन लोगों ने रसूल का इनकार किया, क्या मतलब है यार? ये यानी दुनिया के हर कोने में एक ऐसा होना एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि एक कौम एक बस्ती अपने अरूज पर रहती, उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर किसी ना किसी वजह से जो है जवाल पैदा होता और फिर हो सकता है लोग वहां से हटकर किसी और जगह जाके बसने लगते तो वो इलाके खुद ब खुद खंडर बन जाते हैं। अगर आप जो है ये जो फतेहपुर सीकरी अगर जाते हैं, कितना बड़ा जो है फतेहपुर सीकरी का इलाका है, क्या शानदार उनकी उनके ठाट बाट है, आज सारा खंडर बड़ा हुआ है, सारा खंडर है। तो क्या वहां पर भी ऐसा हुआ, कोई रसूल आया था उनके पास? अजीब बात है। अब यह और बात है कि फतेहपुर सीकरी का जो है जमाना कोई बहुत बहुत पुराना नहीं है, आज से जो है 450 साल पुरानी बात है। तो इस वजह से अभी भी कुछ चीजें अपनी असली हालत में हैं। हो सकता है यही फतेहपुर सीकरी आज एक और मजीद 1000 साल के बाद देखेंगे तो कितनी चीजें टूट फूट का शिकार हो चुकी होंगी और पूरी तरह से खंडर, अभी पूरी तरह से खंडर नहीं बना वहां पर, लेकिन हो सकता है 1000 साल के बाद वो सारा मामला खंडर बन जाए। जिस तरह से जिसको आप जो है वो बुलंद दरवाजा कहते हैं ना, वो शेख सलीम चिश्ती के जो है के दरबार में या उनकी उनके मकबरे में दाखिल होने के लिए एक शानदार दरवाजा बनाया है उसकी। अच्छा वो यानी उस दरवाजे के बारे में कहा जाता है बुलंद दरवाजा। अगर आप नीचे बिल्कुल जमीन पर या सड़क पर ठहर कर उस दरवाजे को अगर उसकी पूरी चोटी उसकी पीठ पर जो है अगर आप जो है अपना देखना चाहें तो एक आदमी टोपी पहना हुआ है और नीचे से अपना सर ऊपर तक ले जाए तो लाजमी तौर पर उसकी टोपी गिर जाएगी। अब ये बात जो है मशहूर है उसके बारे में, मैंने भी ऐसा करके देखा है। तो मुझे मेरे पास कैप थी तो ऐसा देखने लगा तो मेरी कैप गिरने लगी तो मैं कैप को ऐसा पकड़ के ऊपर की तरफ देख रहा हूं। ये बात है, सही है। अच्छा ये इस दरवाजे को बन के आज तकरीबन जो है 450-500 साल हुआ। अब इसमें एक मजीद और 1000 साल जोड़ लें आप तो 1000 साल के बाद ये दरवाजा टूट फूट का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, हर चीज का एक जो है उसकी अपनी एक उम्र होती है, ठीक है, उसमें वियर एंड टियर पैदा हो जाता। तो अब तो अब ये कहेंगे कि देखें क्या शानदार कैसे कैसे लोग थे, यहां ऐसे ऐसे लोग थे, उनके दरवाजे इतने शानदार थे, इतने बुलंद दरवाजे थे, तो वो लोग कैसे कैसे थे होंगे। लेकिन आखिरकार उन्होंने जो है क्या हुआ, ये पूरा खंडर बन गया। क्यों खंडर बन गया? कि उनके पास जो है रसूल आए थे, उन्होंने रसूलों का इंकार किया। क्या ऐसा कहेंगे आप? ऐसा कहेंगे? यानी इनकी बातें कितनी फजूल होती हैं, आप जरा गौर कीजिए। अब ये कुरान कह रहा है कि कुल सीरू फिल अर्दी सुम्मन ज़ुरू, जमीन में जो है चलो फिरो, जमीन में इधर उधर फिर के देखो और जो है किस तरह से यानी जो झुठलाने वालों का जो है का अंजाम हुआ, कैसी बेतुकी बात है। यानी इन बातों का झुठलाने वालों के अंजाम को लेकर उसका क्या जो है क्या ताल्लुक है, बताइए क्या ताल्लुक है? जी हिंदी में क्या कह रहे हैं? ये नबी उनसे कहो कि धरती में फिरो फिर देखो कि झुठलाने वालों का दुष्परिणाम क्या हुआ। और इसमें फुटनोट है, अर्थात मक्का से शाम तक आद समूद तथा लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियों के अवशेष पड़े हुए हैं, वहां जाओ और उन्हें उनके दुष्परिणामों से शिक्षा दो। ठीक है भाई, तो क्या दुनिया में जी मिस्र में जो पिरामिड्स है पड़े हुए वो खंडर बने हुए थे, उसको अभी अभी रिसेंटली कुछ 100 साल पहले उसको ढूंढ के निकाले और उसको रिस्टोर करें तो वो अच्छी हालत में है वो चीजें, तो क्या उस पर भी आया था?
नहीं अजाब के अलावा भी, पहली बात तो ये यानी ये जो अहराम मिस्र हैं जिनको पिरामिड्स ऑफ मिस्र, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट कहा जाता है, उसके बारे में अल्लामिया को नहीं मालूम। अल्लामिया ये पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बारे में कोई जो है इल्म नहीं रखते, उनको पता ही नहीं है, इसलिए पूरे कुरान में कहीं को जिक्र ही नहीं है। फालतू बातें तो दुनिया की भरी हुई है, मूसा और फिरौन की जो है बार बार जो है वो टग ऑफ वार जारी है, वो जो है उनकी उनकी नोक झोंक जारी है, सब कुछ है, लेकिन ये इजिप्ट के जो जो पिरामिड्स हैं उनको लेकर कुरान खाली पड़ा है, टोटली खाली है। जैसे कि जो है कुरान वाले को उसकी वजह यह है कि इसकी दरियाफ्त अभी अभी हुई ना, ये इस दरियाफ्त को जो है हुए आज तकरीबन 200-300 साल ऐसा कुछ हुआ है, उससे पहले इंसान इसके बारे में नहीं जानता था। ये पिरामिड्स और इजिप्ट के बारे में अभी जो है 200-300 साल पहले वो जो है जब इसकी खुदाई होने लगी तो जो है ये सारी बातें इस शक्ल में हमारे सामने अब आई। जाहिर बात है मतलब उससे पहले इंसान को जो है इसका पता नहीं था, जाहिर बात है अल्लाह मियां को भी नहीं पता था। इंसान जैसे जैसे तरक्की करता रहा अल्लाह मियां भी तरक्की करते रहे, लेकिन एक अब चूंकि अल्लाह मियां ने और जो है अब ये नबूवत और रिसालत का सिलसिला बंद कर दिया, अब कोई पैगाम कोई किताब नहीं आएगी, इसलिए अल्लाह मियां का इल्म वहीं जाके रुक गया। अब अगर मान लो अभी भी वही का सिलसिला जारी रहता और जो है नबी और रसूल आते रहते और तो अब जो है नई नई बातें उसमें ऐड होती रहती, शायद हो सकता है उसमें पिरामिड्स के बारे में हो जाए जिक्र हो जाए, या फिर जो है एफिल टावर का भी जिक्र हो जाए, उसमें जो है दीवार चीन का भी जिक्र हो जाए, ये भी हो जाए कि जो है इसमें ताजमहल का भी जिक्र हो जाए, हो सकता है, क्योंकि अल्लामिया भी जो है इवॉल्व हो रहे हैं ना वक्त के साथ साथ, अल्लामिया की जो है वक्त के साथ साथ इवोल्यूशन हो रही है, ऐसा कह सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि अल्लामिया रुक गए उनकी इवोल्यूशन भी खत्म हो गई। जी अब आयत नंबर 12 में कहा गया कुल लिमम मा फिस समावाति वल अर्द कुल लिल्लाह कतबा अला नफ्सिहि रहमा लयजमअन्नकुम इला यौमिल कियामति ला रैब फीह अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फहुम ला युमिनून। इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है। अच्छा पहली बात तो कोई पूछेगा क्यों भाई, और ये सवाल फिर देखिए अब तक कितने बार ये सवाल किया गया कि आसमान और जमीन में जो है वो किसका है, ये तो अल्लाह का है। तो उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है, कहो सब कुछ अल्लाह ही का है, यानी मतलब पूछ भी यही रहे हैं कह भी यही रहे हैं, सवाल भी यही कर रहे हैं और खुद जवाब भी यही दे रहे हैं, मुमिया मिट्ठू है ना। उनसे पूछो कि जमीनों आसमानों में जो कुछ है वो किसका है, और फिर यही कह रहे हैं कि खुद यही कह रहे हैं कि उनसे कहो कि ये अल्लाह का है, तो जब अल्लाह का है कहना है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है भाई, है ना, बेटू किसी बात है ना। इसने रहम करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। अच्छा अल्लाह ने रहम किया है किस पर भाई, सिर्फ मोमिनों पर ना, क्या अल्लाह ने पूरे कुरान में किसी एक जगह पर काफिरों पर रहम का कोई जिक्र किया है, अजीब बात है अल्लाह मियां की। जी फिर कह रहे हैं कि इसीलिए वो नाफरमानियों और सरकशियों पर तुम्हें जल्दी से नहीं पकड़ लेता। अच्छा यानी अच्छा नाफरमानी क्या है, नाफरमानी सरकशी क्या है, नहीं मानना। हम जो कह रहे हैं जिस अंदाज में कह रहे हैं गैब की बात पर जो है ईमान लाने के बारे में हम जो कह रहे हैं तुमको मान लेना चाहिए, अगर तुम नहीं मानते इसका मतलब तुम नाफरमान भी हो, तुम सरकश भी हो, तुम काफिर हो और तुम जो है मुस्तहिक अज़ाब हो, तुम पर जो है जमीन पे तुम पर दुनिया में भी लानत है और आखिरत में भी लानत है, तुमको जमीन में हम तहस नहस कर देंगे और आखिरत में तुमको हमेशा हमेशा के लिए जो है जहन्नम की आग में जलाएंगे। यह है अल्लाह मियां, इनको अल्लाह मियां कहते हैं। अच्छा कयामत के रोज वो तुम सबको जरूर जमा करेगा। अच्छा ये बिल्कुल एक गैर मुश्तबह हकीकत यानी बिल्कुल ये अटल बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा मगर जिन लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के खतरे में मुब्तिला कर लिया है वो उसे नहीं मानते। अच्छा मानने की बात हो रही है ना भाई, घुमा फिरा के देखें यानी जो मदनी सूरतों में वही कुफर और ईमान, कुफर और ईमान की जो है कहानियां सुनाई जाती रही हैं, अब मक्की जन्नत में आ गए हम बकौल डॉक्टर असरार अहमद के, मक्की दुनिया में भी जो है वही कुफर और जो है ईमान का सिलसिला है, नहीं मान रहे ना, मानना चाहिए नहीं मानते, तो अब क्या करना, इसलिए कि इस तरह की ऊटपटांग बातें करना। अच्छा इसमें फुटनोट में लिखते हैं मौदूदी साहब, ये एक लतीफ अंदाज बयान है, पहले हुक्म हुआ कि उनसे पूछो जमीन व आसमान की मौजूदात किसकी है, यानी ये सूरज ये चांद ये सितारे किसके हैं, ठीक है ये सूरज को किसने बनाया। अब अगर आज की हाँ क्वेश्चन मार्क भी, अच्छा आप देखिए अगर आज की तारीख में 2023 में कोई पूछे कि सूरज को किसने बनाया तो हम कह सकते हैं कि सूरज को चाइना ने बनाया। अच्छा कहा जाता है कि चाइना का बनाया हुआ सूरज वो चाइना मतलब दुनिया के लिए
ये हमारे यूनिवर्स के या फिर जो है ये सोलर सिस्टम के सूरज से 13 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब अगर तो अब ये सवाल करें हम कि ये मतलब चाइना ने जो सूरज को बनाया उसको किसने बनाया, किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। सवाल है। अच्छा यहां पूछ रहे हैं कि साई जी क्या कहा आपने, वो तो हर शुरुआत को अल्लाह पे लेके जाएंगे ना, चाइना ने वो तो कर ले जाएगा, वो भी तो अल्लाह की वजह से ही बना। नहीं अल्लाह की वजह से बनता तो अब तक बनना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं बना भाई? अगर देखें कि दुनिया को पावर की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल पावर, और ये इस सूरत के जरिए से आने वाले वक्त में इंसान को इलेक्ट्रिसिटी मुहैया होगी और बहुत सस्ती कीमत पर होगी। जाहिर बात है इंसान की जिंदगी बेहतर हो सकती है, पहले के मुकाबले में बेहतर हो सकती है। जब इंसान के पास इलेक्ट्रिसिटी आसान हो जाएगी और सस्ते दाम में मिलेगी, जाहिर बात है इंसान बहुत से काम इसके जरिए से कर पाएगा। तो अब सवाल यह है कि 2023 में यह चीज पॉसिबल हुई, अब तक अल्लाह मियां क्या कर रहे थे भी? कम से कम चाइना ने, ठीक है इसमें चाइना के भी अपने फायदे होंगे, यकीनन होंगे, जब 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 उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो अपना मफाद तो जरूर चाहता है, इससे इनकार नहीं है, मगर इनडायरेक्टली वो सारे इंसानों के लिए बहुत बड़ा फायदे का काम किया ना उसने, किया ना। अब अगर मान लो इंसान को आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिसिटी सस्ते दामों मिलेगी, तो इसका मतलब इसका क्रेडिट इसको जा रहा है, चाइना को जा रहा है ना। इसका क्रेडिट अल्लाह मियां को तो नहीं जा रहा, क्योंकि अल्लाह मियां ने तो नहीं किया ऐसा। अल्लाह मियां को इंसान की बेहतरी, उसकी उसकी तरक्की के लिए के मामले में कोई उसका कोई सरोकार नहीं है अल्लाह मियां। अल्लाह मियां जो है ऐसे ही है, ऊट पटांग बातें करते हैं और क्या करते हैं। हाँ तो यहां ये कहा गया कि साहिल ने सवाल किया और जवाब के इंतजार में ठहर गया। मुखातिब अगरचे के खुद कायल है कि सब कुछ अल्लाह का है, लेकिन ना तो वो गलत जवाब देने की जरूरत रखते हैं। देखा जी बाजी बातें हैं, क्या ऊट पटांग बातें मौदूदी साहब की, अल्लाह मियां के अब्बा की। यानी ये कहना, ये अंदाज ही असल में बेतुका है। उनसे पूछो, देखें यहां पर एक पहला लफ्ज आया है उल, उनसे कहो कि आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है। तो असल में ये जवाब, जब उनको उनसे जवाब लेना है तो जवाब लो उनसे, जवाब नहीं लेते। अगर वो कहते नहीं नहीं जो है अल्लाह अल्लाह का नहीं है, तो क्या इनके पास क्या जवाब है? ये पूछेंगे ना, अल्लाह का नहीं है तो किसका है भाई, किसका किसका भी होगा। वो लोग बोलेंगे नहीं फलां जो है किसी, यानी किसी जो है देवता का है, तो अल्लाह मियां उसका रद्द कैसे कर सकते हैं? तो मैं कह रहा था साहिल ने सवाल किया और जवाब के इंतजार में ठहर गया। मुखातिब अगरचे खुद कायल है कि सब कुछ अल्लाह का है, लेकिन ना तो वो गलत जवाब देने की जरूरत रखते हैं। क्यों नहीं रखते भी जरूरत? अगर मैं कहूं कि जो है ठीक है, ये जो है जमीन और आसमान में जो कुछ है वो किसी जो है कोई घनश्याम बाबू ने बनाया, ठीक है मैं जवाब दे दिया ना। अब मेरी बात का जो है मेरी बात का इनकार करके दिखाओ। अब अगर सामने वाला पूछेगा नहीं आपके पास क्या सबूत है कि जो है इसको घनश्याम बाबू ने बनाया है, तो जाहिर बात यही सवाल मैं उनसे करूंगा कि भाई आपके पास क्या सबूत है कि जो है इसको अल्लाह ने बनाया। बात तो घुमा फिरा के नहीं आ रही ना। अगर मेरे पास जवाब नहीं है मेरे दावे का, तो क्या आपके पास कोई जवाब है आपके दावे का? नहीं, कोई जवाब नहीं है। दावा है ना, मेरे दावा कोई भी कर सकता है, दावा मैं भी करूंगा। मैं कहूंगा कि जो है घनश्याम बाबू ने बनाया, तो मेरी बात को जो है आप झुटला के दिखाओ। भाई मैंने तो कहा कि जो है ये इसको घनश्याम बाबू ने बनाया, तो आपके पास जरूरत है मेरे इस दावे को जो है झुटलाने की? नहीं। अल्टीमेटली बात वहीं आके रुक रही है ना कि ना दावा तो मैं भी कर रहा हूं, दावा तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन इनके दावे का ना तो कोई सबूत है ना कोई दलील है, जाहिर बात है मेरे पास भी नहीं है, है ना। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं कि और ना सही जवाब देना चाहते हैं, तो क्या सही जवाब आपके पास है हजरत मौदूदी साहब? है आपके पास कोई दावा, कोई सबूत है आपके पास कि जमीन और आसमान में जो कुछ है वो उसको आपके अल्लाह ने, जिस खुदा को अरबों ने घड़ा और हमारे हमारे मच्छे मारा, उसका नाम जिन्होंने अल्लाह रखा, ये इस सूरज चांद सितारों को आपके अल्लाह ने या अरबों के घड़े हुए अल्लाह ने बनाया है, इसका आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है? अच्छा क्योंकि अगर सही जवाब देते हैं तो उन्हें खौफ है कि मुखालिफ उनसे उनके मुशरिकाना अकीदे के खिलाफ इस्तेदलाल करेगा। देखिए मैं ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा अपना कुछ है कोई अकीदा नहीं है, ना मुशरिकाना अकीदा है ना मुवाहिदाना अकीदा है, सचवाला का कोई अकीदा नहीं है। अब अगर सचवाला ये कहे कि जमीन और आसमान में जो कुछ है उसको घनश्याम बाबू ने बनाया या कुल्लू मामा, कुछ भी नाम भी है, उठपटांग नाम मैं दे दूं,
तो ठीक है, मेरी बात का जो है रद्द करके दिखाओ। हाँ अच्छा, इसलिए कि वो जो कुछ जवाब नहीं देते तब, इसलिए कि वो कुछ जवाब नहीं देते तब हुक्म होता है कि तुम खुद ही कहो कि सब कुछ अल्लाह का। ये सिर्फ एक जो है मियां मिट्ठू वाली बात है, मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है, इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। जी जनाब, हिंदी में क्या कह रहे हैं आयत नंबर 12 के बारे में? नबी उनसे पूछिए कि जो कुछ आकाशों तथा धरती में है। तत्वारा जी, पिछली आयतों में भी एंडिंग में बस यही था, आकाशों और धरती में जो कुछ है वो अल्लाह का है। हाँ यही रहेगा, और क्या रहेगा। पूरा आल इमरान में यही है, मायदा में भी ये जुमले कई बार आए। हाँ ये देखें, कुल मिलाकर कुरान में दावे ही तो है ना भी। देखें कुरान में या तो जो है पुराने वक्तों की किस्से कहानियां हैं, पुराने लोगों की किस्से कहानियां, ठीक है, बेबुनियाद कहानियां, इधर उधर से लेके जमा की गई कहानियां हैं 98%। बाकी का क्या है, या तो जो है दावे हैं कि जो है आसमान को मैंने बनाया, सूरज को मैंने बनाया, चांद को मैंने बनाया, तो इसमें इसमें सबूत नहीं है कुछ भी, सिर्फ दावे हैं। या फिर क्या है उसके उसके अलावा क्या है, मारधाड़ है, कत्लो किताल है, ऊट पटांग बातें हैं, और क्या है कुरान में इसके अलावा क्या है? कुफ्र और शिर्क के जो है की जो है वो वहां पर जंगो जदल है कि वो सामने वाला काफिर है तो उसके उसके खिलाफ जो है जिहाद करना है, और ये मोमिन है तो ये इसके साथ जो है मैं भाईचारा रखना है, इस तरह की बातें हैं कुरान में। इनके अलावा और है क्या, क्या है इनके अलावा? अब हम जो है देखिए, छह सूरतें हमने पढ़ ली, पांच सूरतें हमने खत्म कर दी, बड़ी बड़ी सूरतें थी वो, पांच बड़ी बड़ी सूरतें। अब ये छठी सूरत हम पढ़ रहे हैं, और छठी सूरत के बारे में हमारी रिवायात में ये बात आती है कि ये बहुत अहम सूरत है। इस सूरत के बारे में क्या क्या फजीलतें, क्या क्या अहमियतें बयान की गई हैं, और हम उस सूरत को अब इस वक्त पढ़ रहे हैं, दुनिया के सामने है, एक एक आयत को हम खोल खोल कर उसके एक एक लफ्ज पर गौर कर रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं, दुनिया को भी दिखा रहे हैं कि जो है कुरान असल में है क्या। जी अच्छा, आयत नंबर 13 में कहा गया जी, ये हो गया। अच्छा पढ़िए, पूछिए कि जो कुछ आकाशों तथा धरती में है वो किसका है, क्वेश्चन मार्क, कहो अल्लाह का है, उसने अपने ऊपर दया को अनिवार्य कर लिया है, वो तुम्हें अवश्य प्रलय के दिन एकत्र करेगा, जिसमें कोई संदेह नहीं, जिन्होंने अपने आप को क्षति में डाल लिया वही ईमान नहीं ला रहे, ईमान नहीं ला रहे हैं, वो कह रहे हैं जी, अर्थात पूरे विश्व की व्यवस्था उसी की दया का प्रमाण है, तथा अपनी दया के कारण ही विश्व में दंड नहीं दे रहा है। हदीस में है कि जब अल्लाह ने उत्पत्ति कर ली तो एक लेख लिखा जो उसके पास उसके अर्श सिंहासन के ऊपर है, निश्चय मेरी दया मेरे क्रोध से बढ़कर है। अच्छा अब आप देखिए कि ये बात जी, जरा जो है कुरान के इस तरह के दावों पर भी जरा गौर कीजिए कि अल्लाह मियां ये कह रहे हैं कि जो है मैं तो जो है रहमत करने वाला हूं। अच्छा पहला सवाल ये है कि अल्लाह की रहमत किसके ऊपर है, क्या काफिरों पर है, क्या मुनकिरों पर है, क्या मुशरिकों पर है, क्या सरकशों पर है, क्या नहीं मानने वालों पर है? नहीं, उसकी अल्लाह की रहमत सिर्फ मोमिनों के ऊपर है भाई। पूरे कुरान में काफिरों किसी के लिए ना तो कोई रहमत है, ना कोई करम है, और ना जो है उनके लिए कोई अपनाइयत है, कुछ भी नहीं। अच्छा यही नहीं, बात यहां खत्म नहीं होती, फिर कुरान में बार बार जो है ये यही काफिरों के बारे में तो कहा गया है ना, कुरान बार बार कह रहा है कि हमने उनको तहस नहस कर दिया, हमने पूरी बस्तियों को जो है उलट दिया, हमने पूरों को तबाह बर्बाद कर डाला। ये किसके लिए, मोमिनों के लिए नहीं, काफिरों के लिए है ना, काफिरों के लिए बात कही है, फिर रहमत कहां से है अभी? अगर आप वाकई रहमत वाले होते तो जाहिर बात है आप कम से कम इतना तो सोचते कि मैं जिस बस्ती को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर रहा हूं उसमें खवातीन भी हैं, उनमें जो है उनमें औरतें हैं, उनमें जो है छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनमें दूध पीते बच्चे हैं, उनमें बीमार हैं, उनमें बूढ़े हैं, उनमें बेकसूर लोग हैं, अगर आप वाकई रहम वाले होते तो आप उन लोगों को बचा लेते, आप सिर्फ उन लोगों को जो है नुकसान पहुंचाते जो वाकई मुजरिम थे, लेकिन आपकी रहमत तो ऐसी है कि आप पूरी की पूरी बस्ती को, यानी खवातीन समेत, मासूम बच्चों समेत, दूध पीते बच्चों समेत, बीमार और बूढ़े लोगों के समेत पूरी की पूरी बस्ती को तहस नहस कर देते हैं। ऐसे रहीम हैं आप, ऐसे करीम हैं, कुर्बान जाएं आपकी रहमत और आपके कर्म पर कुर्बान, है ना, क्या ख्याल है? अच्छा अब आयत नंबर 13 में कहा गया जी, आयत नंबर 13 में कहा गया وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ है वो सब ठहरा हुआ है, सब कुछ सब अल्लाह का है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। एक अजीब एक बेतुकी सी उठपटांग बात है, बेबुनियाद बात, बेसबूत बात, एक बचकाना सी बात,
जो कुछ जो है वो रात के अंधेरे में है और जो है दिन के उजाले में है, क्या बातें हैं यार, वो सब कुछ सुनने वाला है, जानने वाला है, फजूल सी बात है जी। हिंदी वाले बाबा, तथा उसी का है जो कुछ रात और दिन में बस रहा है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। वाह कमाल है, है जी, अर्थात उसी के अधिकार में तथा उसी के अधीन है हर चीज। अच्छा आयत नंबर 14, कुल अगैर अल्लाह अत्तखिदु, कुल अगैर अल्लाह अत्तखिदु वलीयन फातिर السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين। अच्छा वो शिर्क को लेकर खास तौर पर ये मक्की सूरतों में बड़ी, अरे यार शिर्क तो जो है इतनी बुरी चीज, इतना जो है उसको उसको जो है उसको उसके साथ कराहियत की जो है की नजर से देखा गया। अब यहां पर वही कहा गया, कहो अल्लाह को छोड़कर क्या मैं किसी और को अपना सरपरस्त बना लूं, ये सवाल कर रहे हैं उस खुदा को, यानी उस अल्लाह को छोड़कर जो जमीन और आसमान का खालिक है और जो रोजी देता है और रोजी लेता नहीं है। रोजी देता है लेकिन रोजी लेता नहीं है। कहो मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दूं, और ताईद की गई है कि कोई शिर्क करता है तो करे, तू बहरहाल मुशरिकों में शामिल न होना। कोई दूसरा शिर्क करता है तो करे, यानी पैगंबर मतलब कुरान के नबी को कहा जा रहा है कि वला तकूनन मिनल मुशरिकीन, दूसरे शिर्क करते हैं तो करने दो, तू जो है शिर्क नहीं करना। अच्छा अब यहां पर इसकी फुटनोट में लिखते हैं मौदूदी साहब, इसमें एक लतीफ तारीद है, ठीक है, मुशरिकों ने अल्लाह के सिवा जिन जिन को अपना खुदा बना रखा है वो सब अपने उन बंदों को रिस्क देने के बजाय उल्टा उनसे रिस्क पाने के मोहताज हैं। अच्छा कोई फिरौन खुदाई के ठाट नहीं जमा सकता जब तक उसके बंदे उसे टैक्स और नजराने ना दे दें। अरे भाई ये कर्जे तो अल्लाह मियां भी तो लेते हैं ना, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं छह बार अल्लाह मियां कर्जे मांग रहे हैं, उधार मांग रहे हैं इंसानों से। अल्लाह मियां आप फिरौन पर जो है क्यों रोना रो रहे हैं, तो कर्जेदार तो आप जो है, कर्जदार तो खुद आप भी है ना, आप भी लोन लेते हैं लोगों से इंसानों से, अगर जो है मान लो टैक्स की सूरत में, हाँ फिरौन तो इंसान था, फिरौन इंसान है, अगर फिरौन जो है टैक्स ले रहा है लोगों से तो ठीक है लेगा, आप भी तो ले रहे हैं ना, आप टैक्स नहीं बल्कि आप कर्जे ले रहे हैं ना, एक जगह नहीं दो जगह नहीं छह जगहों पर कुरान में आता है, कौन है जो अल्लाह को कर्जा देगा, तो अल्लाह क्या करेगा उसको बढ़ा चढ़ाकर बढ़ोतरी करके जो है उसको लौटाएगा, अल्लाह बढ़ोतरी करके उसको लौटाएगा, क्या बात है यार, इसका मतलब ये तो जो है इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी भी तो आपके सामने आती ना भी, देखें आप जो है अभी आप मुझे हमको इतना दे दो, अगर आप जो है हमें 1 लाख दे देते हैं तो हम आपकी डेथ के बाद आपको 5 लाख रुपए देंगे, ऐसी कहती है ना इंश्योरेंस कंपनी, और कैसा कहती है अब्दुल हमीद साहब, कैसा कहती है, यही सिस्टम है, ऐसी है ना भाई, इंश्योरेंस कंपनी को अब हम जो है अपनी जिंदगी में 1 लाख रुपए देना तो हमारे मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है 5 लाख रुपए देती है, तो अल्लाह में भी जो है पॉलिसी है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, हाँ अगर मान लो जो है आपको एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ भी नहीं हो रही लेकिन आपके जो है हाथ जो है आपके पैर अगर टूट के किसी के जो है कोई ऐसा नुकसान हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी जो है इंश्योरेंस कंपनी आपकी जो है मदद करेगी, तो अल्लाह भी मदद करेगा। एक तरीका ये भी है कि 20 साल तक की इंश्योरेंस पॉलिसी लिए अगर आप मर गए तो आपके घर वालों को इतने इतने मिलेंगे और आप नहीं मरे तो इसका दुगना मिलेगा आपको, ऐसी हाँ। पॉलिसी नहीं भाई, इसका मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी तो अल्लाह मियां से भी जो है बेहतर है, अल्लाह मियां तो सारे जो है उनके जो भी इनामात है मरने के बाद ही देंगे ना, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी मान लो अगर जो है एक शख्स खुद 20 साल का है और वो एक पॉलिसी लेता है तो मान लो वो जो है आने वाले 20 साल तक वो जिंदा रहा तो जिस वक्त उसकी उम्र 40 साल हो जाती है तो वो पॉलिसी पूरी तरह से 5 लाख रुपए उस बंदे को दे देगी जबकि वो जिंदा है अभी और 40 साल की उम्र में अच्छा अच्छी तरह से जो है ठीक ठाक है हट्टा खट्टा है तो वो जो है 5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए लेकर अच्छा जो है ऐश करेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि अल्लाह खुद भी कर्जे मांग रहा है इंश्योरेंस कंपनी की तरह, तो अल्लाह मियां को यह हक कैसे पहुंचता है कि किसी और के बारे में कहें कि वो जो है वो टैक्स लेता है, भाई आप भी तो ऐसे ही करते हो, यानी मतलब 5% यानी मतलब 20% आप लेते हो ना,
उसको खुमसुल गनाइम कहते हैं। लोग जो लूटमार के पैसे लाके जमा करते हैं बैतुल माल में, उसमें 20% अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर ले दिया जाता है। अब लेने वाला तो जो है रसूल है, रसूल अपनी जिंदगी में ठाट पूरी तरह से ठाट जो है कर रहा है, लेकिन नाम अल्लाह का है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह मियां आप भी लूटमार के माल में से 20% लेने वाले हो ना, तो फिर आप फिरौन को बुरा क्यों कहते हो, क्यों कहते हो? हाँ अच्छा, किसी साहिब कबर की शान माबूदियत कायम नहीं हो सकती जब तक के जब तक उसके परस्तार उनका शानदार मकबरा तामीर ना करें। अच्छा अभी जो है इसी तरह का एक शानदार जो है चौकोर डब्बा अल्लाह मियां आपके लिए भी तो ताबीर किया गया ना? नहीं नहीं किया गया, क्या ख्याल है? अल्लाह का घर है, हाँ अच्छा अल्लाह का घर अल्लाह मियां खुद नहीं बना सकते। देखो अल्लाह मियां कितने मजबूर है, मोहताज हैं कि कहने को तो अल्लाह जो है चांद सूरज बना रहे हैं लेकिन खुद अपना घर नहीं बना सक रहे यार। ये कैसे अल्लाह मियां है यार, कैसे अल्लाह मियां है? तो अल्लाह में और फिर जो है वो जो है जिनकी कोई वली है, कोई कोई बड़ी शख्सियत है जिनकी जिनका मकबरा बनाया गया है, तो वो मकबरा और जो है चौकोर डब्बे में फर्क क्या है? उस मकबरे को बनाने वाले भी इंसान हैं और ये अल्लाह मियां के घर के नाम पर जो बात जो है जो बात कही गई उसको बनाने वाले भी इंसान हैं। तो इसका मतलब जो है वो शान माबूदियत वाली जो बात है कि लोग अगर जो है किसी का मकबरा बनाकर वहां कुछ लोग जो है रस्म अबूदियत बजा लाते हैं, तो एग्जैक्टली इंसानों के बनाए हुए चौको डब्बे को लेकर वहां पर भी रसूम अबूदियत बजाए यानी इस तरह की होती है ना, वहां पर भी तो रसूम यानी अबूदियत बजाए लाई जाती है, वहां पर भी यही हो रहा है। काबा नामी चौको डब्बे के सामने लोग झुक रहे हैं, उसको चूम रहे हैं, उसको चाट रहे हैं, उसके गिर चक्कर लगा रहे हैं, क्या क्या तकद्दुस उसके साथ जोड़ा गया है। ये चौको डब्बा किसका बनाया हुआ है? अल्लाह मियां आपका बनाया हुआ है, आपने बनाया नहीं ना, इंसान ने बनाया। तो ये चौको डब्बा और वो उस मकबरे में फर्क क्या है, क्या फर्क है? अच्छा आगे देखिए क्या लिखते हैं, किसी देवता का दरबार खुदाबंदी सज नहीं सकता, किसी देवता का दरबार खुदाबंदी सज नहीं सकता जब तक उसके पुजारी उसका मुजस्मा बनाकर किसी आलीशान मंदिर में न रखें और उसको तजीन आराइश के सामानों से आरास्ता ना करें। अच्छा अब देखिए, आपको मालूम है कि ये जो चौको डब्बा है, ये जो है मक्का में जो चौको डब्बा है, उस चौको डब्बे को हर साल एक गिलाफ, काले कपड़े का एक गिलाफ जो है पहनाया जाता है। अच्छा वो पूरी बाकायदा एक तकरीब, एक फंक्शन होता है, उसको हफल क्या कहते हैं उसके लिए कुछ खास जो है हफल किस्बतिल काबतिल मुशर्रफा, यानी किस्बा कहते हैं उस गिलाफ को या उस कपड़े को जो चौको डब्बे के सराउंडिंग में लपेटा गया है, उसका गिलाफ समझना, उसका कवर काले रंग का। अच्छा वो काले रंग का जो है जो कपड़ा है वो उसका कारखाना, उसकी जो फैक्ट्री है खुद मक्का में है। मैं उस कारखाने के अंदर गया हूं और उसमें जो काम करने वालों से मैं मिला हूं, उसमें कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियन भी थे, कुछ वहां के कुछ इजिप्शियन हैं, कुछ सऊदी भी हैं उसमें काम करने वाले। मैं जो है हम कई घंटे बांदर रहे और वो किस तरीके से कपड़ा बुना, पूरा मैनुअल काम होता है, हाथ से जो है सारी बुनत होती है, उस पर जो है बाकायदा कुछ लिखा भी जाता है और ऊपर के हिस्से में जो कुरान की आयतें लिखी जाती हैं वो लिखने वाले जो खत्तात हैं मैं उनसे भी मिल चुका हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए कि एक साल तक, पूरा साल तमाम वो उसका किस्वा, उसका जो गिलाफ है वो तैयार किया जाता है और फिर बाकायदा जो है वो मक्का के गवर्नर या फिर जो है एक कोई बड़ी शख्सियत के जरिए से वो उसको काबा पहले वाला जो है जो गिलाफ है उसको निकालने का काम, उसके बाद फिर नया जो है गिलाफ उसको पहनाने का पूरी बाकायदा तकरीब होती है, एक फंक्शन होता है, बहुत शानदार फंक्शन। फिर उसके बाद पता नहीं कितने कीमती किस्म के जो है इतर उस कपड़े पर जो है छिड़के जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसका गिलाफ जो है ना, काबा का जो गिलाफ है उसके बारे में कहा जाता है कि ये कम से कम 20 से 22 मिलियन डॉलर का होता है, पता नहीं डॉलर है या रियाल जो भी है। तो एक गिलाफ जो एक साल तक रहता है और फिर एक साल हो जाने के बाद में वो जो मक्का में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उस कॉन्टेस्ट के जो है जिससे किरात और हिफ्ज का मुकाबला होता है, जिसमें मैं खुद भी 1982 में मैं शरीक रहा, मुझे भी 1 मीटर गिलाफ काबा मिला था जो मेरे पास अभी भी जो है पड़ा है, लेकिन कुछ लोगों ने कभी उसमें से थोड़ा थोड़ा कतर कतर के लोग जो है उसमें से मेरे पास लेके गए, आज भी मेरे पास थोड़ा सा हिस्सा पड़ा हुआ है।
पिछले दिनों जो है अब हम इधर से उधर से उधर जो है वो गुलाब का जो है मेरी नजर पड़ी तो मैं हंसने लग गया यार, अब मैं इसको क्या करूं, इसको रखूं फेंकूं, चलो ठीक है एक यादगार है, मैं अब मेरे साथ रखा हुआ है। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये तो अब ये हमारे मौलवी साहब कह रहे हैं कि वो एक मुजस्मा आलिशान जो है मंदिर में रखा जाता है, उसकी तजीन और आराइश होती है, उसका सामान पूरा, तो इसका मतलब यही ये चौकोर डब्बे के ऊपर भी सब कुछ होता है, तो ये भी वही है ना भाई, ये भी वही है ना, ये भी एक तरह का रमज है, ये भी एक तरह का जो है कुछ ना कुछ एक ऐसा मुजस्मा है, अगरचे कि इसकी शक्ल कोई इंसान की रसीन है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जिस चीज जिस पत्थर को लेकर अगर किसी के दिल में तकद्दुस आ जाए, कोई खसूसियत का जो है उसमें पहलू अगर हो जाए, तो जाहिर बात है वो भी बुत बन जाता है, वो भी शर्म कहलाता है। और ये काबा चौकोर डब्बा असल में ये मुसलमानों का शर्म है, बुत है, बुत अल्लाह का बुत है। अच्छा, सारे बनावटी खुदा बेचारे, अच्छा दूसरे सारे बेचारे हैं और आप बाचारे हैं, वाह कमाल है। सारे बनावटी खुदा बेचारे खुद अपने बंदों के मोहताज हैं, और अल्लाह मियां आप किसके मोहताज हैं भाई, अपना खुद अपना घर बनाने के मामले में अल्लाह मियां आप किसके मोहताज हैं, क्या इंसानों के मोहताज नहीं है? क्या ये घर जिसे बैतुल्लाह कहा गया, ये चौको डब्बा ये जिसे बैतुल्लाह कहा गया, क्या इसको इंसानों ने नहीं बनाया? क्या आप अपना घर बनाने के मामले में इंसानों के मोहताज नहीं है अल्लाह मियां? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। जब दूसरे मोहताज हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब दूसरे मोहताज हैं, ठीक है मोहताज हैं, खुदा इंसान की अपनी जो है तखलीक है, इंसान ने जो है खुदा को तखलीक किया है, जब दूसरे खुदाओं के बारे में अगर इस्लाम ये कहेगा तो एग्जैक्टली वही मामला इसके साथ भी तो फिट होता है ना, मैं कहना यह चाह रहा हूं। अच्छा, मौलवी साहब आगे कह रहे हैं कि सिर्फ एक खुदावंदे आलम ही वो हकीकी खुदा है जिसकी खुदाई आप से आप बलबूते आप अपने बलबूते पर कायम है। वाह वाकई, यानी अल्लाह की खुदाई किसके बलबूते पर कायम है? अल्लाह मियां अपना कोई काम नहीं कर सकते, अल्लाह मियां मोहताज हैं फरिश्तों के, अल्लाह मियां मोहताज हैं मलाइका के, अल्लाह मियां मोहताज हैं नबियों के, अल्लाह मियां मोहताज हैं रसूलों के, अल्लाह मियां मोहताज हैं किताबों के, अल्लाह मियां मोहताज हैं उन किताबों की तर्जुमा करने वालों के, अल्लाह मियां मोहताज हैं उन किताबों की तफसीर करने वालों के, अल्लाह मियां मोहताज हैं उन किताबों को प्रिंट करने वालों के, अल्लाह मियां मोहताज हैं उन किताबों को प्रिंट करने के बाद उन किताबों को तकसीम करने वालों के। देखिए अल्लाह मियां की मोहताजी क्या हाल है यार, अल्लाह मियां सर तपा मोहताज हैं, अल्लाह मियां, अल्लाह मियां मोहताजी की अलामत है, मोहताजियत में डूबे हुए हैं अल्लाह मियां, कितने मोहताज अल्लाह मियां, तो बड़ा तरस आता है अल्लाह मियां आप पर। अरे कोई एक तो काम आप अपना खुद कर लिए होते, हर काम में आप दूसरों के मोहताज हैं, कोई काम नहीं कर सकते आप अपने खुद अपने अपने बलबूते पर। हाँ मुझे बताइए कि इस दुनिया में अगर कोई अगर आप ये पूछे मुझसे कोई पूछे कि जो है इस दुनिया में सबसे बड़ा मोहताज कौन है, मैं कहूंगा सबसे बड़ा मोहताज अल्लाह है, मेरा जवाब यह रहेगा, मेरा जवाब यह है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मोहताज अगर कोई है तो वो अल्लाह है। जाहिर बात है अल्लाह का कोई वजूद साबित नहीं है, इसलिए जो है मैं अल्लाह को मानने की हैसियत से नहीं देख रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ जो है उसके बारे में कुरान पर जब मैं गौर करता हूं तो कुरान का अल्लाह सर तापा मोहताज है, सर तापा मोहताज है। और तो और अल्लाह का जो है जो अर्श है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि अल्लाह के अर्श को फरिश्ते 8 फरिश्ते उठाए होंगे। आपने देखा है वो जो है एक किसी का जनाजा जाता है या फिर जो है या हौदज में या फिर कोई रथ जो होती ना उसमें नौशा बैठे हुए हैं, वो नौशा जो है रथ में बैठे हुए हैं और उस रथ को तकरीबन पता नहीं कितने गुलाम अपने कंधों पर उठाए के जो है लेके जा रहे हैं और अंदर जो कौन बैठे हुए हैं, नौशा दूल्हे मियां। तो अल्लाह मियां का तख्त भी ऐसे ही है, तख्त है अल्लाह मियां का जो अर्श है, अर्श कहते हैं तख्त को। कुरान में अर्श इंसानों के लिए भी आया है, कुरान में अर्श अल्लाह के लिए भी आया है, कुरान में अर्श के बारे में अजीम का लफ्ज इंसानों के लिए भी आया है मलाइका सबा के लिए, और अर्श अजीम का जो है लफ्ज अल्लाह के लिए भी आया है। गोया के कुरान के नजदीक, कुरान के बोलने वाले के नजदीक तख्त इंसानों के लिए भी होता है और जो है अल्लाह के लिए भी होता है। तो इसका मतलब यह है कि तख्त को उठाने का मतलब यह है कि एक इंसान का तसव्वुर है, उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो सोचता है कि अल्लाह ऐसा है कि जो है उसके तख्त पर अल्लाह मियां बैठे हैं या खड़े हैं या लेटे हैं या जो भी है जिस हालत में भी है विराजमान है, जलवा अफरोज है, और उस तख्त को 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं, यह है अल्लाह मियां। क्या अल्लाह मियां है यार, कमाल है, कितने मोहताज हैं अल्लाह मियां, यानी अल्लाह मियां के तख्त को उठाने के लिए 8 फरिश्तों की जरूरत है, सोचिए जनाब। इस आयत का आप हिंदी तर्जुमा पढ़ लें, उसके बाद फिर 1 घंटा हो गया है। आयत नंबर 14 जी,
हे नबी, उनसे कहो कि क्या मैं उस अल्लाह के सिवा किसी को सहायक बना लूं जो आकाशों तथा धरती का बनाने वाला है? वो सबको खिलाता है और उसे कोई नहीं खिलाता। आप कहिए कि मुझे तो यही आदेश दिया गया है कि प्रथम आज्ञाकारी हो जाऊं तथा कदापि मुशरिकों में से ना बनूं। जी सही है। अच्छा भाई, एक घंटा हो गया है जी, एक घंटा हो गया है। तो आज हमने आयत नंबर 14 तक का मुताला कर लिया, कल हम 15 पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी 8:30 बजे, शाम में 8:30 बजे। आज का टॉपिक भी बड़ा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है कुरान जो है मुशरिकों पर हमला करने की तालीम देता है। पॉलीथिस्ट है ना, पॉलीथिस्ट एडोलेटर्स, उन पर हमला करने की तालीम या तलकीन या उकसाता है या उसके बारे में बताता है। ये बात असल में मैं सुलेमान, सुलेमान का जो है जो लफ्ज एक नबी के तौर पर कुरान पेश करता है और उसके बारे में कुरान जो कुछ बता रहा है वो पूरी कहानी, जो कहानी सुलेमान को लेकर आई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस एतबार से कि उसमें अब आप देखेंगे कैसी कैसी ऊटपटांग बातें की गई हैं। हाँ, और वो सूरह नमल में जो है, नमल कहते हैं चींटी को, और उसमें वो सारी बातें हैं। चींटी के बारे में भी जो है वो आया है, परिंदों के बारे में, हुदहुद के बारे में। तो वो सारी बातें कहते हुए वो ये इस पूरे किस्से को, इस कहानी को कुरान किस सेंस में और किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैं दरअसल उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा। और उसका मकसद है कि मुशरिकों पर भले कहीं भी हो उन पर हमला किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। दरअसल वो ये बात बताना चाह रहा है। तो मैं इस पर फोकस करते हुए ये एक इंटरेस्टिंग जो है ये एक स्टोरी है। असल में देखें कि कुरान की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, जिनका सिरे से कहीं कोई वजूद नहीं है, जिनका सिरे से कोई वजूद, कोई जो है कोई दलील नहीं है, सिर्फ कहानी है। और ये कहानियां भी कुरान कहीं और से चुरा कर अपनी किताब में जो है शामिल करता है। अच्छा, सिर्फ शामिल नहीं करता है, चुरा, सिर्फ चुरा कर जो है, चुराने के बाद में उन कहानियों में तोड़ मरोड़ करता है। और ये तोड़ मरोड़ क्यों करता है? ताकि वो अपने मकसद का जो है दिफा, या अपने मकसद के इसकी जो हरकतें हैं इसमें उसका कोई जो है जवाज, कोई जस्टिफिकेशन निकाले है। किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए वो दूसरों की कहानियां चुराता है और उनमें तोड़ मरोड़ करता है। ये बात मैं जो है या इस सुलेमान की जो है कहानी से मैं पेश करूंगा। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, सभी भाइयों बहनों से मैं इजाजत चाहता हूँ। आपसे मुलाकात होगी 8:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सभी का शुक्रिया। ये एक सुपर चैट है नसीम जी का, बहुत शुक्रिया। आदाब और नमस्ते कह रही हैं। और गिरगिट जी कह रहे हैं सुदर्शन टीवी मदनी साहब ने मना किया एक्स मुस्लिम होने से। जी, उन्होंने कहा कि एक्स मुस्लिम अगर होंगे तो मैं नहीं बैठूंगा डिबेट में, ये उनकी तरफ से बात आई है। जी, तो चलिए हम यहाँ क्यों पे हैं 8:30 बजे नहीं, मुलाकात। एक्स मुस्लिम जो है, एक्स मुस्लिम ये जितने मुल्ला हैं उनके कुर्ते के धागे खींच लेते हैं, और इतना खींचते हैं कि जो है उनके बदन पर कुर्ता बाकी नहीं रहता, वे कुर्ता हो जाते हैं। उनको अपना कुर्ता बचाना है। और एक्स मुस्लिम वो होते हैं जो मुल्लाओं के कुर्तों के धागे खींचने में बड़े माहिर हैं। ये है मसला, असल बात यह है। तो चलिए दोस्तों, हम इजाजत चाहते हैं आपसे, चलिए बहुत फिर शुक्रिया। 8:30 बजे मुलाकात होगी। 8:30 बजे फिर मिलेंगे।